हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है मेंडल एंड पी प्लांट, यानी कि मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था, एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी जो पी प्लांट पूरे कर रहे थे, उसे हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो मेरी इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखने वाले हैं कि मेंडल ने पी प्लांट से पहले कौन से प्लांट को चूज़ किया था। तो मेंडल ने सबसे पहले हिरेशियम नाम के प्लांट को चूज़ किया था, जिसका कॉमन नेम है हॉकवीड। लेकिन मेंडल को वो रिजल्ट नहीं मिले जो एक्चुअल में वो चाह रहे थे। इनहेरिटेंस को शो करने वाले कोई रिजल्ट्स मेंडल को नहीं मिले थे, तो लास्ट में जाकर के उन्होंने पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट को चूज़ किया था। लेकिन इसको चूज़ करने के पीछे जो रीज़न थे उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, पी प्लांट जो है वो बहुत ही इजीली ग्रो हो सकता है, इसको हम बहुत ही इजीली इंटरब्रीड करवा सकते हैं। ये एक एनुअल प्लांट है, इसीलिए जो है बहुत ही कम टाइम में हम इसकी बहुत सारी जनरेशंस को ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके जो फ्लावर हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, यानी कि उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और इसीलिए ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग नेचर के होते हैं, स्वनिषेचन इनमें पाया जाता है। साथ ही साथ पी प्लांट्स जो हैं उनमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिनसे कि हम रिजल्ट को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा पी प्लांट को हम इजीली हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक प्लांट के पॉलन को जब हम दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर डालते हैं तो उसके लिए हमें इसके एंथर्स को रिमूव करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा बहुत ही इजीली पी प्लांट में हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी करवा सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन ओनली ऑलवेज इनके अंदर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इनसे जो हाइब्रिड प्राप्त होते हैं वो हाइब्रिड हमेशा फर्टाइल होते हैं, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे हमें प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेंडल ने जो है इस प्लांट को चूज़ किया था। अब बात करते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, कि मेंडल ने पी प्लांट के कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज़ किया था। उन्होंने सीड, फ्लावर, पॉड और स्टेम, इनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को लिया था। सीड के दो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे। नंबर वन, फॉर्म, यानी कि सीड जो है या तो राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे। कॉटिलिडेंस जो हैं वो या तो येलो कलर के होंगे या ग्रीन कलर के होंगे। फ्लावर में भी इन्होंने, फ्लावर में एक ही इन्होंने ट्रेट लिया था जो कि था कलर, यानी कि फ्लावर या तो वाइट कलर के होंगे या वायलेट या पर्पल कलर के होंगे। पॉड में इन्होंने दो ट्रेट लिए थे। नंबर वन, फॉर्म, जिसमें कि पॉड जो है या तो फुल या फ्लैटेंड होगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी कि संकीर्णित होगी। और पॉड का कलर भी इन्होंने चूज़ किया था जो कि ग्रीन या फिर येल्लो हो सकता है। स्टेम के दो कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे। पहला ये था कि जो इन्फ्लोरसेंस है वो एक्सियल हो या फिर इन्फ्लोरसेंस जो है टर्मिनल हो, और दूसरा था स्टेम का जो साइज़ है वो या तो टॉल होगा या शॉर्ट या ड्वार्फ होगा। तो इन कैरेक्टर्स के साथ मेंडल ने पी प्लांट को लिया था और अपने एक्सपेरिमेंट्स के को किया था, और जो मेंडल के वंशागति के नियम हम पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस लॉ पढ़ते हैं, उनको उन्होंने दिया था। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।